सॉफ्ट एंड टाइट दाढ़ी में क्या अंतर होता है अगर आप दाढ़ी को उगाना चाहते हो? तो आपकी अगर दाढ़ी सॉफ्ट आ रही है तो वो क्यों आ रही है, और अगर टाइट आ रही है तो वो क्यों आ रही है, क्या रीज़न होता है? आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसे कि ये मेरी दाढ़ी है और इसके बाल सॉफ्ट हैं, तो सॉफ्ट दाढ़ी अच्छी होती है और टाइट दाढ़ी थोड़ी सी ख़राब होती है। अगर आपकी भी टाइट बियर्ड ग्रोथ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, और आप दाढ़ी को सॉफ्ट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपकी दाढ़ी टाइट आ रही है, यानी जो दाढ़ी के बाल है बहुत ज़्यादा टाइट है, चुभते हैं, तो वो होने का क्या रीज़न होता है? देखो, अक्सर लोग क्या करते हैं, ज़्यादा सेव करते हैं दाढ़ी को, यानी कंटिन्यू एक दो हफ्ते में या 4-5 दिन में दाढ़ी को काटते ही जा रहा है। तो काटते ही जा रहे तो क्या होता है, आपकी स्किन पतली हो जाएगी और जो आपके दाढ़ी के बाल है वो एकदम मोटे उगेंगे और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइट उगेंगे, सुई की जैसे आपको लगेंगे जब भी आप ऐसे आपके हाथों को घुमाओगे, या फिर आप किसी के चेस्ट पे या हेड पे, आप हाथ पैर पे अगर आप आपके बियर्ड के हेयर लगाओगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कांटे जैसे वो अनुभव होते हैं। तो ये होने का एक तो ये रीज़न होता है कि भाई जो आपके सेविंग करने का तरीका है वो गलत है और आप कंटिन्यू सेव करते जा रहे हैं, जिसके वजह से आपके दाढ़ी के बाल टाइट आ रहे हैं। सेकेंड रीज़न होता है, आप कोई सा ऐसा क्रीम लगा रहे हो या ऐसा कोई कैप्सूल लगा रहे हो जिससे आपकी स्किन पतली हो रही है। तो क्या होता है, पतली स्किन होती है ना, तो उसमें दाढ़ी के बालों की जड़ी जड़ आ पाती, पूरे बाल नहीं आ पाते हैं, तो उसके वजह से आपके बियर्ड के हेयर टाइट रहते हैं। पर आप कोई ख़राब प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो अगर आप इन सब रही जो प्रॉब्लम से अगर आप ये काम करते हो और इनको चेंज कर लोगे तो आपकी ऑटोमेटिक दाढ़ी सॉफ्ट ग्रोथ होने लग जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं कि सॉफ्ट दाढ़ी कैसे उगाई जाती है। अगर आप आपकी दाढ़ी को सेव करते हो 15 से 20 दिन में, एक महीने से ज़्यादा दिन में अगर आप आपकी दाढ़ी को सेव करते हो तो आपके दाढ़ी के बाल बहुत ही मुलायम उगेंगे। और अगर आप आपकी दाढ़ी को लंबे समय तक ग्रोथ करके रखते हो तो आपके जो बाल हैं वो ऑटोमेटिक सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर आप उस पर एलोवेरा या नींबू का फेस वॉश, सॉप, क्रीम वगैरह यूज़ करते हो तो उससे आपके बियर्ड के हेयर सॉफ्ट रहेंगे। जैसे कि आप नींबू का फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, सोप यूज़ कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, नींबू आपकी स्किन को फ्रेश करता है और आपके पूरे जो धूल मिट्टी डस्ट वगैरह जो भी आपके फेस पर रहती है उसको रिमूव कर देता है और आपकी बालों की अच्छे से ग्रोथ करता है। वैसे एलोवेरा होता है, एलोवेरा आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है और स्किन के ऊपर जो भी होता है आपके हेयर्स होते हैं उसको सॉफ्ट कर देता है। तो नींबू और एलोवेरा का अगर आप फेस वॉश, सॉप, शैम्पू जो भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप वो यूज़ करोगे तो आपकी बियर्ड सॉफ्ट ग्रोथ होगी। और अगर आप आपकी जो बियर्ड है उसको अगर सेट करते रहोगे, जैसे कि ये दो मुँह बाल हो जाते हैं उसको भी आप सेट करोगे, तो कम से कम एक महीने में आपको एक बार आपकी दाढ़ी को थोड़ा थोड़ा ज़रूर काटना चाहिए, जैसे कि एक दिन तो आपकी दाढ़ी बाल टाइट रहते हैं लेकिन बाकी दिन वो बहुत ही मस्त सॉफ्ट हो जाते हैं। और दाढ़ी के दिन में 2 से 3 बार मसाज करें, फेस वॉश करें, चाहे वो सॉप हो, शैम्पू हो, फेस वॉश जो भी आप यूज़ करते हो उससे, तभी भी आपके दाढ़ी के बाल सॉफ्ट सिल्की रहेंगे। और जितना हो सके धूल मिट्टी डस्ट से आप बचाएं, और हो सके तो आप एवरीडे बियर्ड ऑयल का यूज़ करें। तो अगर आप बियर्ड ऑयल का यूज़ करोगे कंटिन्यू तो उससे क्या रहेगा, आपकी जो बियर्ड है वो नरिश रहेगी और कहीं ना कहीं आपके जो हेयर्स हैं वो सॉफ्ट एंड सिल्की ग्रोथ होते रहेंगे। और आप आपके गालों को फुला के रखें, अगर आपके गाल फूले हुए रहेंगे तो स्किन में थोड़ा मास ज़्यादा रहेगा आपके चीक्स में, जिससे कि दाढ़ी के बालों में जड़ भी अच्छे से ग्रोथ होगी और दाढ़ी के बाल भी अच्छे से ग्रोथ होंगे और आपको आगे ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। टाइट बियर्ड में और सॉफ्ट बियर्ड में, सॉफ्ट बियर्ड सबसे अच्छी होती है, जो कि अच्छी भी लगती है और उनका हेयर फॉल भी नहीं होता। टाइट बियर्ड के हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है, यानी आपकी बियर्ड टाइट है और आपकी स्किन में डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इन सब बातों का एक ही सॉल्यूशन होता है कि आप दाढ़ी को सॉफ्ट करें। सॉफ्ट करने के लिए नींबू, एलोवेरा का फेस वॉश यूज़ करें, सॉप यूज़ करें, इन सब का आप यूज़ कर सकते हैं। एक बियर्ड ऑयल अच्छे से दे, टाइम टू टाइम फेस वॉश करें, बियर्ड वॉश करें, जिससे कि धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सारी निकल जाए। तो इन सारी टिप्स को आप फॉलो कर सकते हो, और कैसे टाइट बियर्ड और कैसे सॉफ्ट बियर्ड के बारे में मैंने आपको बताया उसको आप फॉलो कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।